कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा पर पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। पूर्व सीएम के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। मामला 2 फरवरी को बेंगलुरु का है। बता दें, 17 वर्षीय पीड़िता की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु के सदा शिवनगर पुलिस स्टेशन में बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो और 354A के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़ित लड़की 2 फरवरी उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न के एक मामले में येदियुरप्पा से मदद मांगने में बेंगलुरु में उनके आवास डॉलर्स कॉलोनी स्थित घर गई थी। तभी उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया। जब पीड़िता कमरे से बाहर भागी तो उसने अपनी मां से छेड़खानी की बात बताई। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि मामला सामने आने के बाद येदियुरप्पा के ऑफिस ने कुछ नोट जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि एफआईआर करने वाली महिला अब तक 53 अलग अलग लोगों पर मुकदमा दर्ज करा चुकी है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर येदियुरप्पा का कहना है कि कुछ दिन पहले एक महिला मेरे घर आई थी। वो रोते हुए कह रही थी कि कुछ समस्या है। मैंने उससे पूछा कि मामला क्या है और मैंने खुद पुलिस को फोन किया, कमिश्नर को मामले की जानकारी दी और उनसे उसकी मदद करने को कहा। बाद में महिला मेरे खिलाफ बोलने लगी। येदियुरप्पा ने बताया कि मैंने ही ये मामला पुलिस कमिश्नर तक पहुंचाया है। कल पुलिस ने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं ये नहीं कह सकता इसके पीछे कोई राजनीति मकसद है। बीएस येदियुरप्पा ने 2007 में 7 दिनों के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने 2008 से 2011 तक मई 2018 में 3 दिनों के लिए और फिर जुलाई 2019 से जुलाई 2021 तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हफ्तों चल रहे ड्रामे और अनिश्चितता के बाद उन्होंने 2021 में इस्तीफा दे दिया था। इधर मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि एक महिला ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की, जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की गई है, इसलिए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चलता, हम कुछ भी उजागर नहीं कर सकते। ये बहुत संवेदनशील मामला है क्योंकि इसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है। देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। जी परमेश्वर बोले, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीति एंगल है। हम महिला को नहीं जानते। वो पुलिस के पास गई और शिकायत की। पुलिस ने उसे मना नहीं किया और मामला दर्ज कर लिया।